गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूर Oh
कबीर तादास को तीन लोक है ना। गुरु की आज्ञा आवेगी कबीर, गुरु की आज्ञा आवेगी, गुरु की आज्ञा जाए कहे कबीर सो संत है आवागमन नशा। प्रभु की प्यारी साध संगत जी, आज श्री गुरु नानक साहेब जी का प्रगट दिवस पूरी दुनिया के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उनका किस लिए मनाया जा रहा है? गुरुओं के प्रगट दिवस पर, गुरुओं के जन्म दिवस पर इतना पर स्वार्थ के कारण चारा धारी दे। संतों का जन्म, उनका प्रगट होना आम सब जीवों के लिए भले के लिए होता है। संतों का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। ये सृष्टि की रचना उस परमपिता परमात्मा ने रची और सबसे श्रेष्ठ मानव को बनाया, और मानव में भी जो रहवट सदमार्ग दर्शाने वाले नित्य अवतार सदगुरु संत होते हैं। आम जीव अपनी बुद्धि से, अपने मन से भोगों में ही उलझ जाते हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं पकड़ पाते, अपने आप को नहीं जान पाते, अपने आप को नहीं पहचान पाते, अपने उस कुल मालिक सच्चिदानंद अखंड आनंद परमानंद को प्राप्त नहीं हो सकते। दुनिया के झूठे तुच्छ भोगों के अंदर ही अपने मन को लगाए रखते हैं, और उसका फिर कारण क्या होता है कि बार बार जन्म मरण और योनियों की यातना, योनियों का दुख, बार बार गर्भ की अग्नि के अंदर जलना पड़ता है। संत सदगुरु इस जीव को बार बार जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने के लिए परमात्मा के नाम से जोड़ते हैं, परमार्थ में लगाते हैं, स्वार्थ से मन हटा करके परमार्थ की ओर जोड़ देते हैं। तो जीव परमार्थ में उपराम रह करके उस परमपिता परमात्मा के नाम से अपने मन को जोड़ करके उस अपने कुल मालिक में ओतप्रोत होकर के सच्चिदानंद को प्राप्त होते हैं, अखंडानंद को प्राप्त होते हैं, परमानंद को प्राप्त होते हैं। इसलिए अब आप सब सुन रहे थे, लगा ले प्रेम सदगुरु से अगर तू मोक्ष चाहता है। मोक्ष का मतलब क्या है कि बंधन से छुटकारा। जीव अनेक बार अनेक योनियों में बंधन में ही होता है, पराधीन होता है। इस बंधन से छूटने का एक उपाय सदगुरु की शरण है, और सदगुरु मालिक से जोड़ देते हैं जो सदा निर्बंध, निर्द्वंद, निर्विकार, निराकार, सदा अलेप है, निर्लेप है। सदगुरु उस साई से जोड़ देते हैं जो सच्चा शिष्य होगा, गुरु के वचन पर जो चलेगा, उनके बंधन टूट जाते हैं, और जो दुनिया के ही भोगों में
फंसे रहते हैं। आप देखिए गुरु नानक साहब के दो बेटे भी थे, लक्ष्मी चंद और श्री चंद जी, और उनके सच्चे सेवक थे भाई लैणा, जो आज्ञाकारी थे, जो गुरु के वचन पर चलने वाले थे। हमेशा ही जिसको गुरुमुख कहते हैं वो गुरुमुख थे, गुरुदास कहते हैं वो गुरुदास थे, सच्चे सिख जिसको कहते हैं वो भाई लैणा थे। पास में हमेशा गुरु नानक साहब के रागी जो कीर्तन करने वाले, भजन शब्द बोलने वाले बाला और मर्दाना हमेशा साथ रहते थे, लेकिन वो भी गुरु से बहुत दूर थे, क्योंकि वो अपने आप को ये समझते थे कि हमारे से नेड़े तो गुरु के पास कोई है ही नहीं, हमारे से ऊपर तो गुरु का सेवक कोई और है ही नहीं, क्योंकि हमेशा हम गुरु के पास रहते हैं, गुरु की नाल रहते हैं और गुरु की वाणी का उच्चारण करते हैं, हमारे जैसा तो और कोई भी नहीं है। वो उनको अहंकार था, ठीक है, वो वाणी का उच्चारण करते थे, कीर्तन करते थे, शब्द उच्चारण करते थे, लेकिन ये उनके अंदर एक अहंकार बीच में खड़ा हुआ था। आज्ञाकारी या समर्पित, समर्पण, गुरुमुख जिसको कहते हैं, वो उस बात से अनभिज्ञ थे, दूर थे। भाई लैणा, उनकी कथा बड़ी अनोखी है। जगह जगह पर भाई लैणे की ही साख आती हैं। एक बार कुटिया में चूहा मर गया, चूहा मर गया तो बदबू बहुत हो जाती है, घर में भी कोई चूहा मर जाए तो, छोटी कुटिया थी, कुटिया में चूहा मर गया, तो गुरु साहेब ने फरमाया, लैणा, पहले उनके पुत्र आए, श्रीचंद जी आए, कहने लगे, श्रीचंदा को बदबू आ रही है, देखी भाई अंदर। हां गुरु जी, हुणे संगत आ जांदियां ने, सफाई करवा देंगे। फिर लक्ष्मी चंद जी आए, ओ वेखी भाई लक्ष्मी, अंदर कुछ बदबू आ रही है, मुसुक जी आ रही है। हां गुरु जी, उन्हें संगत आ जांदियां ने, उन्हें सारी सफाई करवा देंगे, कोई डर नहीं। इतनी देर में पीछे भाई लैणा आए, कहने लैणिया, वेखी भाई अंदर मुसुक जी आ रही है कोई। जी हजूर, अंदर गया, चूहा जहां था कि गुरु का वचन हाथ से नहीं, उसको मुंह से उठा के लाया। चूहे को मुंह से उठा लोगे कि मरे हुए को? गुरुमुख होना बहुत दूर की बात है, गुरु शिष्य होना बहुत दूर की बात है, गुरु का सेवक होना, साधु होना सहल है, मुश्किल होना दास। साधु सैल में हो जाएंगे, शिष्य भी कहलाते हैं, लेकिन दास होना बड़ा मुश्किल है। गुरु चूहा मरा हुआ मुंह से उठाया कि गुरु का वचन है, हाथ से नहीं या झाड़ू से नहीं, तो मुंह से उठाया लिया, तो गुरु की तो एक लीला थी, वो चूहा नहीं कड़ा प्रसाद हो गया। कोई ऐसा बनके देखे? एक बार बैठे थे गुरु साहेब और संगत बैठी थी, रेतीला एरिया था, बारिश हो रही थी, गीला रेत हो रहा था। कहने लगे, भाई ये बनाओ, घर बनाओ रेतीला। भाई फोन बंद कर दे, कोई भी किसी का फोन है
कोई भी फोन चालू नहीं रखे यहां, बनाया सभी ने और कह दिया ढा दो, फिर कहने लगे बनाओ, फिर सबने बनाया, फिर कहने लगे इसको मिट दो, फिर कहने लगे बनाओ। किसी ने एक बार बनाया, किसी ने दूसरे बार ही, किसी के दिल पर ये पता नहीं क्या, किसी ने तीसरी बार दिल में संशय आ गया, किसी को चौथी बार संशय आ गया। गुरु महाराज ने 100 बार बनवाया, आखिर एक भाई लेना बचा, नहीं तो सब बलाय। गुरु महाराज का तो पता नहीं दिमाग में कोई खराबी आ गई दिखे। गुरु महाराज तो शायद पागल हो गए भाई, इसको तो दिमाग में खराबी आ गई, कोई चेक करवाना चाहिए, दिखाना चाहिए कहीं ना कहीं। लेकिन भाई लेना एक ऐसा रहा जो ही गुरु का हुक्म, भाई बना दो फोड़ दो, बना दो हटा दो, बना दो मिटा दो, भाई लेना जैसे भी चलते रहे। बस गुरुजी उठ के चल पड़े, क्योंकि एक पाया, सारी संगत में एक मिला। बात तो कुछ नहीं, लेकिन इसके अंदर सार बहुत बड़ा है, वो गुरु का वचन, गुरु की आज्ञा। ऐसे ही जा रहे थे, कोई गंदा नाला आ गया और गंदे नाले में गुरुजी ने कमंडल छोड़ दिया। कमंडल छोड़ दिया तो साथ में रागी हमेशा रहते थे, उच्चारण करने वाले, शब्द उच्चारण करने वाले, बाला और मर्दाना कह रहे हो बालिया वो कमंडल देख पाया भाई गंदे नाले च। हाँ गुरुजी, आप जी नु की तोड़ा और कमंडल रखा आ जाएंगे। मर्दाने से कहा हाँ गुरुजी, कमंडल की खोट है और बतेरे कमंडल आ जाएंगे। सिरचंद से कहा, सिरचंद का भी यही जवाब। लक्ष्मीचंद से कहा, उसका भी यही जवाब। भाई लेने की ओर इशारा करा, लेने आ। भाई लेने ने एकदम छलांग मार दी और गंदे नाले से निकाल कर कमंडल अच्छी तरह कई बार उसको साफ सुथरा करके और गुरुजी के कर कमलों में हजूर, ये लो। बात तो कुछ नहीं, लेकिन अज्ञाकारी, उसने नहीं देखा कि ये गंदा नाला है, लेकिन उन्होंने देखा कि गंदे नाले में छलांग मारनी, कमंडल ओढ़ ले जाएंगे भी गंदगी में कैसे छलांग मारे। भाई गुरु मुख जो होंगे ना इस दुनिया की दलदल में, जहां गुरु कहेंगे। अब थोड़ी देर पहले मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, विनती है यही पल पल छिन छिन रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, कहना तो आसान की बात है। ऐसे कोई जो बोले वैसे चाले तो मार्ग दूर नहीं, और नहीं तो कहने कहने की बात नहीं है भाई। बातों की पकवान से पेट नहीं भरता। कथनी मीठी खांड सी करनी विस्की लोए, कथनी छोड़ करनी करे तब विस्ते अमृत होए। कथनी की बात नहीं, ये करनी की बात है। इसलिए और ये संसार, ये दुनिया कहां तक है। एक बार ऐसे ही गुरुजी सत्संग करते करते उठ के चल पड़े, पीछे संगत चल पड़ी जंगलों की ओर। देखा गुरुजी ने कि संगत पीछे पीछे है, ऐसा बाना बढ़ता तांबा पीतल का ढेर पड़ा था। ओ साडे मगरों की करोगे भाई, ये तांबा पीतल चुक ले जाओ, अपने परिवार का काम चलाओ, व्यापार करो। कुछ लोग तो उस तांबा पीतल के चपट गए। जैसे कि संसार के अंदर कोई कोयले की खान में जुट रहा है, कोई तांबा पीतल काटने के लिए जुट रहा है, कोई चांदी काटने के लिए जुट रहा है, कि संसार है ये।
मालिक से उस मालिक को नहीं मांगते, मालिक से भी दुनिया की जो नाशवान चीज है उन्हीं के अंदर फंसा हुआ है संसार। कुछ दूर गए तो कुछ संगत चली गई, कुछ संगत और पीछे है। देखा तो वहां पर चांदी का ढेर है। अरे भाई साढ़े मगरों की लोगे तुसी, ये चांदी चुक ले जाओ, अपना परिवार का काम चलाओ, बस होगी चांदी भाई, उठा ली चांदी दुनिया ने, हो लिए चांदी उठाने लगे। फिर चल पड़े गुरु महाराज, थोड़े से बाकी रह गए, वो चांदी के लग गए। फिर आगे कुछ दूर चल करके देखा कि कुछ थोड़े से रह रहे हैं। आगे वाणा बढ़ता कि सोने का ढेर पड़ा, ओ भाई साढ़े मगरों की लोगे भाई, ये सोना चुग ले जाओ, जाओ हो जाओ मालो माल। वो सोना में लग गए। आखिर बहुत दूर जाकर के पीछे मुड़कर देखा तो एक भाई लेना ही मिला। सब कोई तांबा पीतल में लग गए, कोई चांदी में लग गए, कोई सोना में लग गए, लेकिन बहुत दूर जाकर के पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक भाई लेना ही था। कहने लगे ओ लेनिया, ये दुनिया इतना माल इतना धन चौक के ले गई, तू साढ़े मगरों की लेगा भाई, साढ़े कोल किया है भाई लेना। कहने लगे हे हजूर, चरणों में पड़ गए, आंसुओं से चरण धो दिए, हे गुरु महाराज, ए मेरे मालिक, ए मेरे साईं, ए मेरे दाता, मेरा तुझ बिन और कोई नहीं है, मेरे सब कुछ आप हो, कहने मात्र तो तुम्हें व माता च पिता, तुम्हें व तुम्हें व बंधु च सखा, तुम्हें व तुम्हें व विद्या च दर्विणम, तुम्हें व तुम्हें व सर्वम मम देव देवा, कहने मात्र तो सभी बोलते हैं ये, लेकिन वास्तविक में कोई एक मिलता है, आखिरी समय कोई एक मिलता है। तो भाई लेना उठा करके छाती के लगा लिए, जिसका नाम अंगद देव अंग से लगाया। शब्द बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। सीने से तो भाई कोई कोई लगता है, सीने से कोई लगता ही नहीं। कोई कोई लगेगा जिससे दुनिया का मोह टूट चुका हो, इस माया का मोह टूट चुका हो, इस संसार का मोह टूट चुका हो, वो सदगुरु उसी को सीने लगाते हैं, वो ही सीने से लग सकता है, नहीं गुरुओं के सीने से तो कौन लग सकता है। ये संसार तो दुनिया के लिए जार जार के रो रहा है, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए, लेकिन मालिक के लिए तो कोई बिरला ही। वो कौन भाई लेना फिर गुरु अंगद देव के रूप में आए, दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी हुए भाई।